क्या विधानसभा का सेशन चल रहा है और पहली बार है कि इन्ना स्मूथली चल रहा है। ओपोजिशन पार्टी ने सिर्फ एक बार जिहड़ा वै हंगामा किया सीगा। मेरे नाल स्पीकर साहब ने नवे डिप्टी स्पीकर साहब चुने गए ने, इन्हां नाल गलबात कर लैने। जयकिशन जी, पहलां तो बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जयकिशन जी, सोचा सीगा कि डिप्टी स्पीकर बनने का मौका जिहड़ा मिलेगा तुहानू? नहीं, आपां तां जदों कदी इह मंच नहीं आई सी गल। मैं धन्नवाद करना चाहुंदा बाबा साहब अंबेदकर जी ने, जिन्हां की बदौलत मैंबर बनने का मौका मिलिया। उस तो बाद अज पार्टी ने, पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, साढ़े स्पीकर साहब और पूरे सदन ने बहुत बड़ी जिहड़ा मेरे ते विश्वास प्रगटाया। मैं इस विश्वास को पूरा खरा उतरने लिए दिन रात मेहनत करांगे, बिल्कुल ईमानदारी नाल, दयानतदारी नाल लगांगे और अपने हल्के दे मैं वोटर सपोर्टर का सारे का तहे दिलों धन्नवाद करना चाहुंदा जिन्होंने मैं अज इत्थे पहुँचाया। पहला विरोधी धिर से सरकार घेरते, फिर सरकार चाहे तुम इशू चकने शुरू किए, लेकिन हूँ तुहाडी जिम्मेवारी होएगी पूरे सदन को संभालन की। किनू किहड़ा इशू किवें जिहड़े जिहड़े मैंबर ने चुक सकन, सारी जिम्मेवारी तुहाडी होएगी। एक जिम्मेवारी का प्रैशर होएगा जेकर साडा नीयत साफ होवे, साडी जेकर दिल की जिहड़ी आ अपनी इच्छा साफ होवे, नीयत साफ होवे, तां कोई भी काम जिहड़ा औखा नहीं हैगा। स्पीकर साहब साढ़े बैठे ने, तुसीं देखो कि अज पूरा देश, पूरा पंजाब, पूरा सदन, पूरा मीडिया इन्हां दी सिफत कर रहा, क्योंकि इन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। असीं गल कीती सी बदलाव की और बदलाव इत्थों झलकदा कि असीं विरोधियों नूं भी उन्ना टाइम दिंदे हां जिन्ने अपने मैंबर साहिबान नूं। स्पीकर साहब नाल गल, स्पीकर साहब पहली बार है कि सैशन इन्ना स्मूथली चल रहा, नहीं तो 15 मिनट सैशन चलता है फिर वॉकआउट हो जाता है, फिर अंदर आते सैशन चलता वॉकआउट हो जाता है। मैं लगता कि सब तो लंबा सैशन अगर देखा जाए दिना दो दिना च घंटिया के हिसाब के नाल तो यह बेहतरीन सैशन चलिया। देखो जी, ये सारा माणयोग लीडर ऑफ द हाउस साहब भगवंत सिंह मान होर जी, उन्होंने नेक नीति और दयानतदारी प्रति उन्होंने आपकी निष्ठा प्रकट की आ कि सैशन लंबे चलाने, क्योंकि जी साड़ी विधानक जी परंपरावान है वो इस करके बनाई गई सी कि इतने डिस्कस हो। इस बुलेटिन फिलहाल लेना, इजाजत दो, धन्यवाद।